हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ आसिफ, इस वक्त डीएसए मल्लीताल नैनीताल का जो सबसे बड़ा डीएसए वहां पर खड़ा हूं, और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो नैनीताल में प्रॉब्लम्स होती हैं आने के बाद में वो नहीं होंगी, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ होटल और टैक्सी जो इजीली आपको यहाँ वहीं घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं। मैं नैनीताल में किसी भी होटल के अंदर आपकी बुकिंग करा सकता हूँ, मतलब खुद ही, क्योंकि मेरे पास लगभग मोस्टली नैनीताल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, होटल के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि मैं एक होटेलियर हूँ। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो मुझे सिर्फ इसी वजह से जानते हैं कि मैं एक होटेलियर हूँ। नैनीताल में काफ़ी ज़्यादा होटल रन कर चुका हूँ लीज़ पर लेकर के, मतलब 5-6 होटल से ज़्यादा मैंने लीज़ पर रन किया है नैनीताल में। 2015 से बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मेरी काफ़ी अच्छी मतलब पहचान भी है नैनीताल में, मल्लीताल एरिया में मोस्टली मुझे सब जानते हैं। कुछ दिन से मैंने होटल कम कर दिए, बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गए थे कोविड के वजह से भी, और उससे पहले भी कुछ एक दो प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसलिए होटल तो मैंने ड्रॉप कर दिए। बट हाँ, आजकल मैं बुकिंग वगैरह करा देता हूँ अगर किसी को बुक करना है। मेरे पास एक बिल्डिंग अपने पास है अभी, जिसमें 5-7 कमरे हैं जिनको मैं चलाता हूँ अभी, तो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके लिए रेट्स, जो होटल के रेट्स हैं किस समय क्या होते हैं। तो नैनीताल के अंदर मोस्टली मई जून की अगर बात करें हम, तो मई जून में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी मोस्टली लीज़ पर जा चुकी हैं, लीज़ पर ही यहाँ रन करते हैं लोग। जो ऑनर होते हैं वो लोग दे देते हैं लीज़ पर किराए पर, और वो लोग हम जैसे लोग या फिर यहाँ पर जो बिज़नेस करने के लिए आए हुए हैं लोग बाहर के, वो सब रन करते हैं, तो उनका जो पैसा होता है वो मई जून में ही निकलता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो सीज़न चलता है वो मई जून का ही होता है। जैसे ही वहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं, छुट्टियाँ पड़ती हैं बच्चों की, तो नैनीताल लोग घूमने के लिए आते हैं मोस्टली, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। बट अभी की बात करूँ तो अभी इस वक्त बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप नैनीताल में स्टे करेंगे इस वक्त, तो नैनीताल के अंदर आपको बहुत से बहुत, अगर बहुत अच्छा रूम लेंगे आप, तो 1000-1200 रुपये में मिल जाता है ऑन मॉल रोड। 1500 रुपये में तो इतना अच्छा रूम मिल जाता है इस वक्त, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, थोड़ी बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है कहाँ पर क्या है। अब किसी में भी चले जाओ, उसने आपसे 2000-2500 मांगे, आपने पे कर दिए, वो भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत महंगा हो जाता है इस वक्त। तो अभी मॉल रोड पूरी तरह से खाली पड़ा रहता है। मॉल रोड खाली पड़े रहने का मतलब मेरा ये है कि मोस्टली होटल के अंदर, अगर किसी होटल के अंदर 15 रूम है, तो आपको कम से कम 8-10 रूम ही उसके अंदर इस वक्त लगते हैं, बाकी रूम खाली रहते हैं, तो रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मॉल रोड पर तो खैर हमेशा से रेट थोड़े ऊपर ही रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। बाकी मल्लीताल एरिया की बात करें तो मल्लीताल एरिया में, यहाँ मस्जिद के जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेट डाउन हो जाते हैं, मतलब 800-1000 रुपये में तो बहुत अच्छा रूम मिल जाता है इस एरिया में ऊपर की तरफ को, तो ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 250-300 मीटर ऊपर का मतलब ये है कि आपको सामने बिल्डिंग्स जो दिख रही हैं वहाँ पहुँचना है, और 250-300 मीटर बहुत होता नहीं है यहाँ पर नैनीताल में। तो अब जब नैनीताल आए तो अब इतना चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर पहाड़ है, तो पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा होटल, हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं होता। 250-300 मीटर की दूरी पर आपको बहुत अच्छे होटल मिल जाते हैं। आपको नैनीताल में होटल बुक करना है तो आप इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है मैंने, तो ये इजीली कर सकते हैं। बाकी कैब की बात करें, नैनीताल में जो साइट सीन है वो आपको 800 रुपये में नैनीताल के 7 पॉइंट्स घुमा देते हैं, वो भी मैं आपका बुक कर सकता हूँ, एंड 11 पॉइंट्स जो हैं वो आपको 1100-1200 रुपये में पूरा नैनीताल कवर कर देते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं नैनीताल के। एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया था, अगर कोई नहीं जानते नैनीताल में किसी को, तो आप टेंशन ना लें, मुझे जानते हैं, ये समझ लीजिए मुझे जानते हैं। अब वो कुछ नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है मुझे, और मैं आपको इजीली आप यहाँ रूम बुक कर दूंगा। तो मैंने ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी पार्किंग और नैनीताल का जो मेन एरिया वो यही है, डीएसए ग्राउंड, ये समझ लीजिए आपने मस्जिद याद रखना है, और ये डीएसए ग्राउंड याद रखना है। यहीं सामने नैना देवी का मंदिर है, और बगल में हमारे चर्च है, सब कुछ यहीं पर है, गुरुद्वारा भी हमारे बिल्कुल पास में, तो मेन जगह यही है। आपने नैनीताल आना है तो ये मेन पार्किंग है, यहाँ पार्क करना है, उसके बाद में ही फिर यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले गाड़ी पार्क होगी, उसके बाद आपको अपने रहने की व्यवस्था करनी है, मतलब होटल लेना है, उसके बाद में फिर आपने घूमना फिरना, तो उसके लिए कैब चाहिए। वो दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत ही कम रेट में, बहुत सही रेट में दोनों चीज़ें दे दूँगा। मेरे पास कुछ कैब अपनी भी हैं, दो गाड़ियाँ अपनी हैं मेरे पास अभी इस वक्त, जिससे मैं लोकल साइट सीन टूर करवाता हूँ। और बाकी होटल की बात करूँ तो मेरा अपना होटल भी है, लेकिन मेरे पास कई बार होटल फुल हो जाता है, फिर मेरे को दूसरी जगह पर बुकिंग देनी पड़ती है, मतलब किसी और से लेकर के, आपने बुक किया मैंने फिर किसी और को दिया, कुछ लिटिल बिट कमीशन होता है उसके अंदर जो मुझे मिल जाता है, तो उससे मेरा भी काम हो जाता है और उनका भी काम हो जाता है और आपका भी काम हो जाता है। पहले फ़ोटो शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पर, उसके बाद में फिर बुकिंग साथ मतलब कंफर्म होती है, तब मैं बुक करता हूँ। लोकेशन और ये सारी चीज़ें मैं सब बता देता हूँ कहाँ पर हैं, तो लोकेशंस वगैरह के बारे में भी सब चीज़ें पता लग जाती हैं आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। बाकी इसी चैनल पर मेरा डेली व्लॉग भी आता है, तो आप देख सकते हैं डेली लाइफ में मैं क्या करता हूँ रोज़। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।